और कराची के हवाले से आपको खबर दें, जहां पर चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची वजीर आजम के मूड का शिकार हो चुका है। बिलावल से नाराज वजीर आजम वजीर आला से भी बात नहीं करेंगे तो मसाइल कैसे हल होंगे। दुनिया के साइंसदान घबरा गए हैं जो बिलावल जरदारी एक थ्योरी लेके आया है। आइंस्टाइन घबरा गया है कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। तो जो मुल्क में कोई आईनी पोस्टिंग्स होनी है, फर्ज करें कि इलेक्शन कमिश्नर लगना है, उसका हेड लगना है, तो वो तो बगैर जो ओपोजिशन लीडर उससे कंसल्टेशन के बगैर लग नहीं सकता। वजीर आजम उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है तो क्या मतलब मुल्क में इलेक्शन कमिश्नर लगेगा नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं लगेगा। वजीर आजम ने बिलावल साहब को उनकी उनकी मिमिक्री कर दी तो इसका मतलब है वो यहाँ के वजीर आला से भी बात नहीं करेंगे। तो भाई मैं जो सिंध का रहने वाला हूँ, मैं जो कराची का रहने वाला हूँ, मैं इस मुल्क का जो बाशिंदा हूँ, मतलब वजीर आजम के मूड का शिकार हो गया हूँ मैं। मेरे लिए कोई बात कर रहे इसलिए कि वो अगर वजीर आला से बात नहीं करेंगे मेरे सूबे के तो हमारा काम तो नहीं होना।